all are good. Thank you so much, guys. It is from the other support here. Thanks a lot. We try not to mess. घर पे अकेली हूँ। हाँ, आपने नोटिस किया? ये देखो एनी की पिक लगी हुई है। जब एनी आई थिंक 5 या 5-6 मंथ की थी तब की पिक है ये। इसकी नानी घर की है, तभी वो नानी घर में थी। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है, मोटिव नहीं बोल सकते यार, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है ना, तो मैंने सोचा कि चलो बता देती हूँ। तो अब तक जो मैंने वीडियो डाल रहे थे वो बस पुरानी वीडियो थी एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि चलो एक चैनल स्टार्ट करते हैं। एंड क्यूट सी बेटी का अभी वो एक्चुअली है नहीं है, हाँ वो दिल्ली गई हुई है। दिल्ली क्यों, इतनी छोटी सी बच्ची है, दिल्ली मैंने भेज दिया। हाँ वो अपनी दादी के साथ गई है, दादी से उसकी ज़्यादा अटैचमेंट है, मतलब इट्स लाइक ना कि उसको मम्मी पापा नहीं भी रहेंगे ना तो चलेगा, वो दादी उसको चाहिए ऐसा है उसके साथ। अभी दादी उनकी दिल्ली जा रही थी तो मैंने बुआ के यहाँ भेज दिया उसे। भेजने से पहले तो यार काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं सर्वाइव कर पाएगी या एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बट उसने उसको इतना ज़्यादा वहाँ मन लग गया है कि यू कांट इवन इमेजिन। उसे बिल्कुल भी हमारी याद नहीं आती है बाबा, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहते हैं बिल्कुल अकेली हूँ, 9 बजे सोकर उठी हूँ और थोड़ी देर से जा चुकी है, और मैंने सोचा क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो मैंने वीडियो बना लेते हैं थोड़ी सी, आप लोगों को बता भी दूंगी क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में। अभी मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं प्लेन बाहर, उनकी ज़्यादा तो बाहर ड्यूटी रहती है, तो मैं मेरी बेटी एंड मेरी मम्मी चेकिंग करते हैं हमारे घर में, क्योंकि वो दोनों भी गए हुए हैं, तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। तो चलो चलते हैं देखते हैं आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और चलते हैं, आज मैं आपको पूरे दिन का कार्यक्रम दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। और अभी मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, तो चलते हैं झाड़ू लगाते हैं। और उसके बाद मैं कुछ अपने लिए खाना बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बना पाती हूँ। तो पहले तो झाड़ू लगा लेते हैं, लेट्स गो गाइस। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है और खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है यार। अकेले आप होते हो तो ऐसा नहीं होता कि बस, पता नहीं मुझे तो बिल्कुल मन नहीं होता है इवन कुछ भी करने का मन नहीं होता, बस पूरे दिन बेड पे लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, और लेटे लेटे तो बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती है भाई सच में। देखते हैं क्या बना पाते हैं, सुबह के बज गए हैं, चलो मैं दिखाती हूँ टाइम आपको, कितने टाइम हो गए, वेट जस्ट वेट, ये देखो। अरे घड़ी नहीं देख रही है भाई, हाँ देखो अले सुबह के बज चुके हैं 10:15। पता है कब आ रही है, ये नहीं आ रही है रक्षाबंधन के बाद, हाँ और तब तक पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता उसके बिना, बट उसे तो मेरी याद आती ही नहीं है, है ना। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज ये झींगे बनाऊंगी। देखो कितने लंबे से झींगे हैं यार बिहार में, सॉरी क्या ये कितने लंबे से है ना बिहार में, होते हैं इतने लंबे के नहीं होते, इतने लंबे लंबे नहीं होते यार, इतने छोटे छोटे से होते हैं वहाँ। तो ये इतने लंबे तो मैंने पुणे में ही देखे हैं, इतने लंबे से झींगे चल मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। आज मेरा पहला ब्लॉग है ना, तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं लग रहा है कि फ़ोन को किस एंगल में रखूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है मुझे किस एंगल में रखना चाहिए फ़ोन को, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा कोऑपरेट करो। आप लोग बताओ कि आप लोग घर में अकेले होते हो तो खाने की मन होती है क्या, खाने की इच्छा करती है खाना बनाने को या खाना खाने को मन करता है।
मुझे तो बिल्कुल नहीं करता गैस, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज भी मेरा मन नहीं हो रहा था खाना बनाने का, बट मैंने सोचा कि चलो मैं आज से ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ, तो ब्लॉगिंग दिखाऊंगी क्या। तो मुझे लगा कि आज मैं पूरे दिन क्या क्या करूँगी ये मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो ये नहीं है नहीं, तो मैं उसकी क्या उसका वीडियो कैसे बनाती यार, बहुत मतलब डिफिकल्ट हो रहे थे, डिफिकल्टी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा वाला। तो अभी तो नहीं हो पा रहा है उसकी वीडियो। वैसे मैं पहले की वीडियो एक दो डालती रहूँगी, डोंट वरी। जिन लोगों को उसे पसंद है, जिन लोगों ने उसकी खातिर ये चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनकी वीडियो को डेली लाइक करते हैं, तो वो लोग निराश ना हो, मैं डालूंगी वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये झींगे छिल चुके हैं, अब मैं इसे धोऊंगी और फिर इसे काटूंगी। तो चलो आओ इसे अब धोते हैं। बनाती हूँ, जिसको झींगे की सब्जी पसंद है वो आ जाओ सारे। गाइस खाना बनकर रेडी है, देखो कैसा बनाया सब्जी। यम्मी ना, ये मैंने चावल बनाया है और अभी मैंने चोखा नहीं बनाया है, ये है आलू जो उबल चुका है, तो मैं चोखा बनाऊंगी। तो खाना बनकर तैयार है, अब मैं थोड़ा नहा लेती हूँ, फिर आगे की वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं मैं नहा चुकी हूँ और मैं तैयार भी हो गई हूँ। मुझे ना ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, मतलब पसंद नहीं है या फिर बोलो मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है मेकअप का, तो मैं मेकअप नहीं करती। बस अब पता है मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, बहुत तेज़ वाली। पता है कितने टाइम हो गए यार, 11:45 हो गया है। मैं खाना लेकर आ गई हूँ, तो मैं खा रही हूँ, देखो मैं कैसा खा रही हूँ। ये रहे मटर मशरूम, झींगे की सब्जी जो तो आप लोगों ने देखी है, और ये रहे आलू की चोखे। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, जिसको खाना है वो आ जाए। इतना ज़्यादा तो मैंने बनाया नहीं है, बट वी विल मैनेज है ना। ये मटर मशरूम की सब्जी ना मैं रात को बनाए थे, तो थोड़े से बच गए थे। यार अकेले में क्या होता है ना कि आप कितना भी कम खाना बनाओ थोड़ा सा बच ही जाता है, और खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बर्तन धोने की बारी, बर्तन धोना। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर मैं उसका थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँगी, थोड़ी सी नहीं करूँगी एक्चुअली पढ़ाई में कर लूँगी थोड़ा, और मैं आप लोग को जरूर दिखाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ओके गाइस, गुड इवनिंग गाइस।
मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी, पता है आप लोग को। अभी मुझे थोड़ी देर पहले नींद खुली है मेरी, तब मैंने टाइम देखा तो 5:40 हो चुके थे। फिर मैंने सोचा यार फिर टी है, मैंने क्या कर दिया यार, मेरी पहली ब्लॉग फट हो गई एक्चुअली। बट कोई ना, अभी मैं शाम में, अब मैं इवनिंग की पी थी थोड़ा, अभी मैं चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के लिए तो चलो चाय बनाते हैं। तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ, दूध निकालते हैं फ्रिज से, फिर चाय बनाते हैं। तो चाय बन चुकी है और ये रही मेरी चाय। अरे अरे दिख नहीं रहा, हाँ ये रही मेरी चाय। ये देखो गाइस, ये है मेरी बालकनी। लेट मी शो यू, वेट। ये देखो, ये है मेरी बालकनी। ये देखो बाहर का व्यू जो कि बहुत अच्छा है, यहाँ से रोड दिखती है। और ये लो छत पे आ गए और देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं। और मैं आपको छत का नज़ारा दिखाती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यार, बहुत अच्छा, मतलब हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, तो यहाँ से बहुत सारे पेड़ दिखेंगे और हरा भरा हरियाली। छत कितना बड़ा है, बहुत बड़ा छत है, बहुत बड़ा। आप लोग को बताओ कि जब एनिया होती है तो पूरे छत में मुझे बहुत डराती है, पूरे छत पे बहुत ज़्यादा दौड़ाती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से वो बार बार भागने की कोशिश करेगी, इस सीढ़ी से ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आई एम मिसिंग हर यार, आई एम मिसिंग हर टू मच। तो प्लीज़ गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन ज़रूर दबाना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थोड़ा बहुत गलती हो गई होगी, आई डोंट नो, थोड़ी सी या बहुत हुई, मेरा फर्स्ट ब्लॉग था तो पता नहीं कि फ़ोन को किस एंगल में रखना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है। मेरा तो जो दिल किया मैंने वो सारी चीज़ें बोल डाली, या फिर जो भी जैसा भी समझ में आया आप लोग को इंटरटेन करने की कोशिश करी। आई नो बोरिंग था बट फिर भी देख लेना यार। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड एनी ऑल्सो, एक्चुअली एनी, ये एनी की चैनल है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड बेल बटन दबाएं और एज मच एज शेयर यू कैन। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।